टीम इंडिया को अब इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के बचे हुए 2 मुकाबले खेलने हैं, जिसके लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस टीम में एक बदलाव किया गया है और उमेश यादव को टीम में जगह दी गई है। वो शार्दुल की जगह टीम में अपनी फिटनेस टेस्ट के बाद शामिल किए जाएंगे। उमेश यादव फिटनेस टेस्ट के बाद अहमदाबाद में टीम के साथ जुड़ जाएंगे। शार्दुल ठाकुर को विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और चौथे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की टेस्ट टीम क्या है। विराट कोहली कप्तान होंगे, रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे जो कि उपकप्तान होंगे, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, वृद्धिमान साहा, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज इस टीम का हिस्सा है। इसके अलावा बीसीसीआई ने ट्वीट करके ये भी बताया कि शार्दुल की जगह उमेश यादव अहमदाबाद में टीम के साथ फिटनेस टेस्ट में जुड़ जाएंगे। वहीं सिलेक्शन कमेटी ने 2 खिलाड़ियों को स्टैंड बाय पर रखा है, जिसमें केएस भरत और राहुल चार भी शामिल है। तो वही 5 खिलाड़ियों को नेट गेंदबाज के तौर पर टीम में जगह दी गई। दोनों देशों के बीच तीसरा टेस्ट मैच 24 फरवरी को अहमदाबाद में खेला जाएगा, जो डे नाइट टेस्ट मैच होगा। टीम के नेट गेंदबाज के रूप में अंकित राजपूत, आवेश खान, संदीप वॉरियर, कृष्णप्पा गौतम और सौरभ कुमार शामिल है। स्टैंड बाय खिलाड़ी में केएस भरत और राहुल चार टीम में शामिल है। केएस भरत विकेट कीपर है और राहुल चाहर टीम में। हालांकि आपको बता दें कि सीधे अब एक सीधी एंट्री यहां पर नजर आ रही है। शुभमन गिल चोटिल है और उनकी चोट काफी गंभीर बताई जा रही है, यानी कि मयंक अग्रवाल टीम का हिस्सा होते हुए नजर आएंगे। साथ ही उमेश यादव को पिंक बॉल टेस्ट को देखते हुए, क्योंकि भारत 3 पेसर्स के साथ उतरेगा और 6 बल्लेबाजों के साथ उतरेगा और 2 स्पिनर्स के साथ उतरेगा, तो उस लिहाज से अक्षर और अश्विन का खेलना तय है। वहीं दूसरी तरफ 3 पेसर के रूप में यहां पर ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और सिराज या उमेश यादव में से कोई एक खेलता हुआ नजर आएगा। यानी कि टीम में अब काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। अब तैयार रहिए इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली इस टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि ये होने वाला है सबसे बड़ा टेस्ट। यहाँ से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तस्वीर फाइनलिस्ट की लगभग लगभग साफ नजर आई। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।